हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज तो बहुत ज़्यादा मौसम खराब है दोस्तों। पूरी रात से बादल इतना अंधेरा सा छाया हुआ है, ब्लैक ब्लैक से दिख रही हूँ मैं। और यहाँ देखिए बहुत कुछ भीग गया है गाइस, इतनी बारिश हो रही है। आज तो पूरी रात से सब कुछ भीग गया है दोस्तों। पता है इसमें आज आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। यहाँ छत पे एक कीड़ा था, कीड़ा मतलब सांप, तो उसी को देख रहे हैं। पता नहीं कहाँ पर है, यहाँ पर देखा था, है छोटा। पानी भर रहा है तो डर तो बहुत लग रहा है गाइस। कैसे देखें, चलिए देखते हैं आपको। ये देखिए कितनी बारिश हुई है, हर जगह पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आज जितनी बारिश कभी नहीं होगी, पूरी रात पूरा दिन चल रही है बारिश। ये देखिए हर घर में पानी, और मेरे यहाँ तो बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे को तो एक कीड़ा दिख गया है तो मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन इसको देख रही हूँ कहीं। एक यहाँ पर था, एक बाहर था। चलिए गाइस हम आपको दिखाते हैं आगे। ये देखिए, तो मैंने नीचे को देखा, कहीं नीचे तो नहीं है, तो वहाँ पे तो नहीं दिखा। सारी जगह देखा, यहाँ तो कहीं नहीं दिखा दोस्तों। पूरी जगह ढूंढा, छोटा सा था, थोड़ा दिखा बस, इसके बाद नहीं दिखा। उसका सिर्फ मुँह मुँह दिखा। अब ये डर लगता है, अगर दिखा है तो वो कहीं छुप तो नहीं गया है, इसलिए उसे भगाना ही बेहतर रहेगा। रहे बोले बाबा, मेरे यहाँ से चले जाओ अच्छे से। तो पता नहीं कहाँ है। ये देखिए बारिश ने तो पूरा बेहाल के, तो भगवान नल खोल देते हैं तो बंद ही नहीं करते हैं। तो ये देखिए कितनी बारिश की वजह से पूरी नली वगैरह, पूरा छत मत सब कुछ भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है गाइस। चलिए, तो अभी तो हमारी पाठ पूजा हो रही है, इसके बाद पाठ पूजा होके मैं छत पे आई थी, तो यहाँ पर पानी बरस रहा है। और मैंने पूजा पाठ करके भगवान के दर्शन किए, इसके बाद फिर मैं किचन में आई। तो किचन में मैं बच्चों के लिए कुछ बनाऊंगी। चलिए वह तो जय श्री राधे दोस्तों। ये देखिए, तो मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने तुलसी वाली चाय बनाई, चाय बना के बाद दूध गर्म किया। आज थोड़ा तबीयत सही नहीं है दोस्तों, पेट में दर्द सा हो रहा है। और मैंने अपने गले की माला वगैरह भी निकाल दी है, तो अजीब से लग रही हूँ। इधर देखिए मैंने आलू बॉईल करके रख दिए हैं, तो इनकी बनाएंगे परांठे दोस्तों बच्चों के लिए। तो ये जो थली वाली कौंस होती है, उसको बॉईल करके, उसको भी बॉईल कर लिया, तो उसकी बनाऊंगी सब्जी। अभी इसके परांठे बनाएंगे, तो इसको पीसेंगे सिलबट्टे पे। किचन में तो गर्मी लगती है दोस्तों। तो सभी को राम राम। तो अभी देखिए हम आलू के पराठों की तैयारी कर रहे हैं। मेरे बाल गीले हैं तो उनकी वजह से पानी गिर रहा है, तो मैंने पल्लू हटा लिया है। बाल सुखाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि सुबह सुबह से नाश्ता बनाना होता है। तो बस दोस्तों, यहाँ पे आलू के पराठे बना रहे हैं, आइए आप सभी खाइए। और आज कीड़े ने दिमाग ख़राब कर दिया है। एक छत पे था, एक बाहर था, तो उसी टेंशन में थोड़ा लेट हो गए बस, और कुछ ना। चलिए दोस्तों, तो सभी को राम राम। पराठे खाइए, देखते हैं वो कीड़ा कहाँ जाता है। भगवान करे वो चला जाए। जहाँ भी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।